देखिए, आप लोगों को अगर अभी तक नहीं पता चला है तो मैं पहली और आखिरी बार आप लोगों को ये बता दूं कि इस फिल्म में मेरा जो किरदार है वो बिल्कुल हास्य किरदार नहीं है। बाकी सारे किरदारों में थोड़ा बहुत हास्य नज़र आ सकता है आपको, लेकिन मेरा ये जो किरदार है ये बिल्कुल हास्य से प्रेरित है ही नहीं। तो जो बजाने की बात कर रहे हैं वो बाकी सारे किरदार कर रहे हैं, इस किरदार का बजाने से कोई लेना देना नहीं। इट्स अबाउट रियल पीपल, देयर फेस, वी ऑल नो, जैसे करप्शन है, डाउरी चल रही है, अभी तक चल रही है, हम सब लोग को पता है, लेकिन अभी भी हो रहा है। जैसे तो ये छोटी छोटी बातें जो हम बताना चाहते हैं बहुत प्यार से, जिस फन वे में हंसा के आपको बताना चाहते हैं। ये एक बदले की कहानी है, एक ग्रुप की कहानी है जो किसी से बदला लेने के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार होता है, और वो थ्रिलर भी कह सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत हास्यपूर्ण भी है। मेरे किरदार का नहीं है, बाकी लोगों का है। तो बहुत ही रोचक कहानी है, उसमें काफ़ी गति है। I'm never going to say that I'm confident that I can take, you know, feel the pulse of the audience. I will try and always do my best so that the audience loves what we make. अगर आप मनोरंजन नहीं करेंगे तो आप अपने काम में भी मन नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपको फिल्में देखनी चाहिए। कला जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, और बजाते रहो जो है वो ऐसी कला का बहुत ही जीता जागता रूप है, और क्या बोलते हैं हिंदी में भाई, सबूत है। तो आप ज़रूर उस रूप और सबूत को देखने आएँ, क्योंकि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से और बहुत ही प्यार से हमने ये फिल्म बनाई है आपके लिए। हम चाहते हैं कि आप भारी मात्रा में इसे देखें और हमारी फिल्म को सफल बनाएं।